हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट टेरिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑप्शन इज पॉलीएमाइड, सेकंड ऑप्शन इज पॉलीएक्राइलेट, थर्ड ऑप्शन इज पॉलिस्टर एंड फोर्थ ऑप्शन इज दैट इज पॉलीप्रोपाइलीन। तो देखिए, यहाँ पर हमें जो की कंसेप्ट पहले देखना पड़ेगा कि की कंसेप्ट हमारे पास क्या है। अगर हम यहाँ पर की कंसेप्ट की बात करें तो जो की कंसेप्ट हमारे पास है ये आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज कि टेरिलीन किस तरह का पॉलीमर है। तो बेसिकली हम बात करें, टेरिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। टेरिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर। तो यहाँ पर हमें देखना है कंडेंसेशन पॉलीमर कि ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन Which type of bond is formed? Polymerization, which type of bond is formed? किस तरह का bond जो है यहाँ पे हमारे पास बनता है? Which type of bond is formed? किस तरह का bond जो है ये हमारे पास जो यहाँ पे बनता है? देखिए, तो अगर हम बात करेंगे टेरिलीन जो है ये दो मोनोमर को मिला के बना हुआ है। एक हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल टेट्रापैथलेट। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, लाइक दिस, यहाँ से आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास जो है वो आ जाता है सी डबल बॉन्ड, वो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, दैट इज हियर, ये कंपाउंड जो है यहाँ पे आपके पास है सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपके पास यहाँ से आ जाता है। ठीक है, ओके। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास बनता है, कैसे कैसे ग्रुप जो है वो हमारे पास रहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आ जाता है डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये आपके पास जो है वो इसको बोलते हैं थैलेट। तो ये बेसिकली क्या है, टर्थैलिक एसिड, दिस इज टर, यहाँ से आ जाएगा, दैट इज थैलिक एसिड, तो ये बन जाता है टर्थैलिक एसिड। ये आपके पास क्या करता है, ये आपके पास जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल से रिएक्ट करता है एन मोल्स, यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू, यहाँ पे आ जाएगा सी एच टू, यहाँ से आ जाएगा ओ एच, तो दोनों के एन यूनिट्स जो है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। कंडेंसेशन होगी तो कंडेंसेशन में क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए बेंजीनिंग एज इट इज है, बेंजीनिंग इस तरह से है, यहाँ से आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, ये इसके एन यूनिट जुड़े हुए हैं, यहाँ से आ जाएगा आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ, और इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन, यहाँ से आ जाएगा सी एच टू, सी एच टू, और यहाँ से आ जाएगा ऑक्सीजन, इसकी एन यूनिट्स जो है यहाँ पे आपके पास क्या करेंगी, कंबाइन कर जाएंगी, तो ये आपके पास टेरिलीन, क्या है, टेरिलीन। अब देखिए यहाँ पे है ऑक्सीजन CH2, इस साइड भी आपके पास ऑक्सीजन लगा होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम देखें ये बनेगा C डबल बॉन्ड OR, एक तरह से बन रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, एस्टर ग्रुप कंटेन कर रहा है, तो इट इज बेसिकली अ पॉलिएस्टर। तो टेरिलीन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिएस्टर, सो फाइनल आंसर इज पॉलिएस्टर, ऑप्शन थर्ड। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।